तो इस प्रिंटर की जो खास बात है वो है PPM, मतलब इसकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो 30 PPM तक है, और ऑटोमेटिक A4 साइज को ये दोनों साइड से प्रिंट कर सकता है। साथ में इसकी जो ट्रे है वो 250 पेपर इसके अंदर आ सकते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 8,500 के अराउंड पड़ी है। तो इसमें ये जो इसका साथ आने वाला जो फर्स्ट ओनर है उसकी 2600 पेजेस की इसकी कैपेसिटी बताई जाती है। तो यहाँ पे जो प्रिंटर है इसके साथ आती है एक ये ड्राइवर की सीढ़ी आती है, साथ में एक ये USB केबल आती है जो कि प्रिंटर को लैपटॉप से जोड़ने काम आएगी, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के आसपास है। ये एक टोनर है, इसमें टोनर अलग है और उसका जो लोड करने वाली ट्रे है वो अलग है, और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर के बताया गया है कि इसको फर्स्ट टाइम कैसे यूज़ करना है। इसके साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है यहाँ पे ब्रदर का जो प्रिंटर है। यहाँ नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे एक पावर बटन दिया हुआ है, टोनर की लाइट दी हुई है, ड्रम की लाइट दी हुई है, और यहाँ पे पेपर और रेडी का एक बटन और गो का एक बटन दिया हुआ है। और यहाँ जो ऊपर की साइड है यहाँ पे कुछ लाइट्स के इंडिकेशन दिए हुए हैं कि अगर ये लाइट ऐसे ब्लिंक कर रही है या स्टडी है तो उनके किन कॉम्बिनेशन के आधार पर, मतलब इसमें क्या फॉल्ट है, ये आपको बता सकता है। टोनर लॉक ही आपको बता देगा, रिप्लेस टोनर कार्ट्रिज, ड्रम लाइफ एंड रिप्लेस ड्रम, ड्रम ड्रम में कुछ एरर है, वो पेपर जाम हो गया है या कोई पेपर नहीं है तो उसके बारे में भी बता देगा। यहाँ पे ये आउटपुट वाला एरिया है जहाँ से कि मतलब पेपर निकल के बाहर आएगा। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दी हुई है, मतलब जो मॉडल नंबर है वो दिया हुआ है। फ्रंट की साइड की बात करें तो यहाँ पे ये एक एक्सटर्नल ट्रे दी हुई है जिसके थ्रू आप यहाँ पे पेपर वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की साइड बात करें तो यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ के खींचता हूँ तो यहाँ पे ये पेपर ट्रे आ जाती है जो कि एडजस्टेबल है, इसमें 250 पेजेस की कैपेसिटी बताई हुई है। तो इनको अगर मैं इस बटन को दबा के ऐसे करूँगा तो ये यहाँ पे आप इनको यहाँ एक एनलप साइज तक के आप इसको बीच में वो कर सकते हैं, और इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद आए ऐसे खुल जाता है। पीछे की साइड बात करें तो पीछे यहाँ पे एक ये जो प्रिंटर का जो स्टैंडर्ड स्लॉट आता है वो है, जिसके थ्रू आप USB केबल से इसको जोड़ सकते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड केबल है, ऑलमोस्ट ये 1.5 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है। तो इसको फर्स्ट बार यूज़ करने के लिए इसके जितने भी स्टिकर्स आए हैं हमें इन सबको निकालना होगा। इसको खोलने के लिए यहाँ पे साइड में दोनों साइड इस टाइप से नोज दिए हुए हैं, तो इनको दोनों साइड से मैं प्रेस करता हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड प्रेस करते ये निकल गया है, तो अब मैं इसको पकड़ के बस खींचूँगा। तो ये वाली निकल चुकी है, इसके अलावा अब यहाँ पे ये ट्रे है, ट्रे का ये दिख रहा है तो इसको पकड़ के ऐसे खींचना है। तो ये ड्रम है इसका, ये देखिए आप सामने ड्रम है, उसका ड्रम पूरा अलग ही लगा हुआ है। फिर ड्रम क्लीन करने के लिए यहाँ पे शायद बटन दिया हुआ है एक बार। तो अभी हम ये जो टोनर है इसको ओपन कर लेते हैं, इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ। ये आगे की साइड जो कवर दिया हुआ है इसको हटा देते हैं एक बार। तो ये है इसका टोनर। अब इस टोनर को यहाँ पे लेना है और इसको इस ड्रम में इस तरह से रख देना है, और ये इस तरह से सेट हो जाएगा। इसको हम लगा देते हैं इसमें, ये सेट हो चुका है, इसको बंद कर देंगे। हमारा जो प्रिंटर है फर्स्ट बूट के लिए तैयार है। तो इसमें एक बार मैं पेपर लोड कर देता हूँ। तो चलिए फिर इसको बूट करते हैं। सारी लाइटें यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं। और यहाँ प्रिंटर स्टार्ट हो चुका है एक बार। तो यहाँ देखिए प्रिंट, ये जो इसका फर्स्ट टेस्ट पेज है, डेमो प्रिंट आ चुका है। तो ये डेमो प्रिंट आ चुका है और काफ़ी इसकी डेंसिटी काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। ये मैंने अभी पेपर ऐसे बाहर से लगाया है तो इसने बाहर से ले लिया है इसको, देखते हैं अब क्या करता है। भैया मैंने गो दबाया है और देखो कितनी जल्दी इसको लेता है, क्या करता है। और यहाँ से इसने पेज ले लिया है और ये कितनी फास्ट प्रिंटिंग है भाई साहब, शानदार। तो मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से भी पेज दे सकते हैं अगर आपको जल्दी से कोई निकालना है और ट्रे में से पेज नहीं लेना है तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो अभी मैं एक बार यहाँ पे जो इसका टेस्ट काउंट पेज होता है वो निकाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ये गो का बटन है जो 3 बार प्रेस करना है, 1, 2, 3, और यहाँ पर शायद आना चाहिए, लाइट फ्लैश होने लग गई है। और यहाँ पर देखो पेज कितने फास्ट निकलता है,
तो यहाँ पे दो पेज में रिपोर्ट दी है इसने। यहाँ प्रिंटर की सीरीज का है और रिमेनिंग लाइफ टाइम 100% पे है। अभी टोनर कार्ट्रिज ड्रम भी 100% पे है। पेज काउंट यहाँ पे दो हो चुके हैं और इस तरह देख सकते हैं आप अभी की अभी, मतलब ये प्रिंटर जस्ट इंस्टॉल ही हुआ है।